अच्छा, कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हो? थर्ड टाइम। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हो अभी ब्लड डोनेट किया है? जो अन्य युवा हैं, चाहे वो लड़कियां ही हों, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि क्यों ब्लड डोनेट करें? ब्लड डोनेट से हम किसी का भी जीवन बचा सकते हैं, और हम राजेंद्र राठौड़ के जन्मोत्सव पर हम ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। प्रेरणा राजेंद्र जी राठौड़ हैं, उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हो या किस तरीके से? चाहे यहाँ बबलू जी चौधरी की बात करें तो उनके आह्वान पर यहाँ ब्लड डोनेशन करते हैं? हाँ, हम बबलू जी चौधरी के आह्वान पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। सुई वगैरह लगाते हैं तो उससे डर लगता है, उसके बारे में? उसका तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन इससे डर तो होता नहीं है और ना डरना चाहिए। ये सिर्फ एक भ्रम है कि इससे चक्कर आते हैं या फिर कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब के जन्म दिवस पे ये 7 दिन का सेवा सप्ताह रखा गया है, और जो रक्त का दान है ये महादान माना गया है। और आप देख रहे हैं ये झुंझुनू की बेटियाँ जो हर स्तर पे, हर मैदान में अपना नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। इनकी रगों में जो बलिदान देने वाले हैं, देश के सबसे ज़्यादा जो अग्रणीय हमारा ज़िला जिसमें माना जाता है, ये वीरों की भूमि है, इनकी रगों में वो खून है। और ये उस भावना से राजेंद्र जी राठौड़ साहब के जन्मदिन के ऊपर इस तरह का आयोजन करके ये महादान का काम कर रहे हैं। ये पिछले जन्मदिन से राजेंद्र जी राठौड़ साहब के मन में इस तरह के भाव आए। किसी भी घटना को लेके आदमी कभी भी ऐसा प्रेरित करता है, कोई न कोई ऐसी कोई जीवन में घटना होती है, तो उन्होंने प्रेरणा लेके ये पिछले जन्मदिन से हमने शुरू किया था। पिछली बार भी मैंने यहाँ गांधीनगर में मेरे आवास के ऊपर एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा था, और अब की बार जिला हेडक्वार्टर पर सबसे उचित जगह हमारे को बंदे का बालाजी लगा, जो सेवा सप्ताह के रूप में या तो माननीय मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर हम यहाँ प्रोग्राम रखते हैं, या अब दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब के जन्मदिन पर रखा है।